अच्छी बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि वो वेजिटेरियन हैं तो वो अपने प्रोटीन की मात्रा कैसे पूरी करें, क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं कि वेजिटेरियन लोगों के पास प्रोटीन के कम सोर्स होते हैं, पर ये एक मिथ है, क्योंकि कई ऐसे शाकाहारी फूड हैं जिनमें नॉन वेज से भी ज़्यादा प्रोटीन होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी हेल्थ, फिटनेस, ब्यूटी, डाइट, बॉडी बिल्डिंग और सप्लीमेंट्स की रियल इन्फॉर्मेशन, ढेर सारी होम रेमेडीज और कई मोटिवेशनल वीडियोस। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे उन वेज फूड की जो किसी भी मामले में चिकन, अंडे, फिश से कम नहीं है। इनमें प्रोटीन तो भरपूर है ही, साथ ही ये बहुत ही सस्ते भी हैं और आसानी से मार्केट में मिल भी जाते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इन फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करके आप अपनी प्रोटीन की मात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन फूड्स की। नंबर एक, सोया चंक्स। जो लोग नॉन वेज नहीं खाते उनके लिए सोया चंक्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सबसे सस्ता और आसानी से मिलने वाला सोया चंक्स में भरपूर प्रोटीन होता है। 100 ग्राम सोया चंक्स में लगभग 50 ग्राम प्रोटीन होता है। पर कई लोग सोचते हैं कि सोया ज़्यादा खाने से एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, पर ऐसा तब होता है जब आप इसे ज़्यादा मात्रा में खाएं। आप इसे रोज लगभग 40 से 50 ग्राम तक आसानी से खा सकते हैं। नंबर दो, पनीर। दूध से बने सभी प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, इनमें से पनीर सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। इसमें प्रोटीन के अलावा कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। 100 ग्राम पनीर में आपको लगभग 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो इसीलिए आप अपनी डाइट में पनीर भी शामिल कीजिए। नंबर तीन, बादाम। आप चाहे मसल बिल्डिंग कर रहे हैं या फैट लॉस कर रहे हैं, बादाम सबके लिए अच्छे हैं। बादाम में प्रोटीन के अलावा कई विटामिन्स होते हैं। 100 ग्राम बादाम में आपको लगभग 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। आप रोजाना लगभग 15 से 20 बादाम खा सकते हैं। नंबर चार पर है काले चने। काले चने देसी पहलवानों की मुख्य खुराक है। सारे पहलवानों की सुबह की पहली खुराक ही काले चने होती है। काले चने में प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही इसे खाने से ताकत भी आती है, जिससे आप जिम में हैवी वेट उठा सकते हो, अच्छा वर्कआउट कर सकते हो। काले चने को आप भिगोकर भी खा सकते हो, इसकी सब्जी बनाकर या अंकुरित कर भी खा सकते हो। अगर आपको अपनी बॉडी का साइज बढ़ाना है तो एक मुट्ठी काले चने को रात को भिगोकर रख दें और सुबह खा लें। ऐसा डेली करने से आपकी बॉडी का साइज बढ़ेगा, कमजोरी दूर होगी। 100 ग्राम चने में आपको लगभग 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है। नंबर पाँच पर है टोफू। टोफू को सोयाबीन का पनीर भी कहा जाता है। इसे सोया के दूध से बनाया जाता है। टोफू में प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम भी होता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो टोफू को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। टोफू में आपको चिकन से भी ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। टोफू आपके मसल्स बनाने के साथ साथ हड्डियाँ भी मजबूत करता है। टोफू आपके कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करता है। नंबर छः, चिया सीड्स। चिया सीड्स बॉडी बिल्डर्स की भी पहली पसंद है। 35 ग्राम चिया सीड्स में आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है और 40 ग्राम फाइबर मिलता है। चिया सीड्स में प्रोटीन के साथ साथ आयरन, कैल्शियम, सेलेनियम, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। आप कभी कभी चिया सीड्स की जगह फ्लैक्स सीड्स या पम्पकिन के सीड्स भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर सात पर है काजू। अगर आप बहुत दुबले पतले हैं और अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो काजू का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। 100 ग्राम काजू में आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर आप तेज़ी से वेट गेन करना चाहते हैं तो काजू को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। नंबर आठ पर है दूध। आपने देखा होगा कि किस तरह देसी पहलवान दूध पे दूध पीते हैं। दूध में कैसीन प्रोटीन होता है जो स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन है। अगर आप रात को कैसीन प्रोटीन नहीं ले सकते तो रात को एक गिलास दूध पी कर सोएं, जिससे रात को आपकी बॉडी कैटाबॉलिक में नहीं जाएगी और मसल्स को पूरी रात प्रोटीन मिलता रहेगा। 100 ग्राम दूध में लगभग 4 ग्राम प्रोटीन होता है। दूध में प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। दूध तो बच्चे बूढ़े सबको पीना ही चाहिए। नंबर 9 पर मूंगफली। मूंगफली को गरीबों का बादाम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बादाम जितने ही पोषक तत्व होते हैं। जिनको प्रोटीन और गुड फैट नहीं मिल पाता, मूंगफली उनके लिए सबसे बेस्ट है। मसल गेन करनी है तो इसे रोज अपनी डाइट में शामिल करें। आप इसे स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं। ये सस्ता तो है ही और आसानी से कहीं भी मिल सकता है। आपको 100 ग्राम मूंगफली में लगभग 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। नंबर 10 पर है मूंग दाल। मूंग दाल तो सबके घर में बनती ही होगी।
इसमें आपको प्रोटीन के साथ साथ फाइबर और कई विटामिन्स मिलते हैं। अगर आप इसे अंकुरित करके खाते हैं तो इसके पोषक तत्व और बढ़ जाते हैं। 100 ग्राम मूंग की दाल में लगभग 24 ग्राम प्रोटीन हो सकता है। आप चाहें तो मूंग की दाल की जगह कभी कभी इसे स्विच करके दूसरी दालें भी खा सकते हैं, उनमें भी आपको लगभग इतने ही पोषक तत्व तो इतना ही प्रोटीन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप शाकाहारी हैं, नॉनवेज नहीं खाते, अंडे मांस मछली नहीं खाते, तो ये 10 सुपर फूड हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल करके अपनी प्रोटीन की मात्रा को आसानी से पूरा कर सकते हैं और अच्छी बॉडी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जिसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।